अब समर स्लैम पेपर व्यू के क्लोजिंग मोमेंट के अंदर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का कन्फ्रंटेशन तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद आगे क्या, तो इसके ऊपर गाइस मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। समोआ जो ने कुछ ऐसा कर दिया है WWE के अंदर जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और गाइस ब्रॉक लेसनर ने क्या एक्नॉलेज किया है रोमन रेंस को, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक चिपके रहना, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब इससे पहले कि गाइस हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर आए, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। आज से हम लोग एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम पूरे पेपर व्यूज की वीडियोस बनाते हैं पेपर व्यू के बाद जो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाते क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर एक टाइम लिमिट के अंदर वीडियो बनानी होती है। लेकिन गाइस पॉडकास्ट के अंदर हम लोग हर पेपर व्यू के बाद पूरे पेपर व्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और गाइस पॉडकास्ट का नया पूरा एपिसोड भी अपलोड हो चुका है। और आप लोग मेरे से कहते हो ना, भाई तुम मैच की रेटिंग क्यों नहीं देते हो, तो पॉडकास्ट का जो एपिसोड अपलोड होगा हर पेपर व्यू के बाद उसके मैच रेटिंग भी देंगे, आप लोग यहां पर देख सकते हो। आप और आपके कह सकते हो इस बार खुशकिस्मती की वजह से 500 के 500 प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर चाहे वो जियो सावन हो, गाना हो, या फिर वो इस बार तो एप्पल पॉडकास्ट भी आ चुका है, स्पॉटिफाई भी आ चुका है, अमेजोन हो चुका है, सबके ऊपर गाइस पॉडकास्ट आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, गाइस ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें फ्री होती है। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में हम लोगों ने बात करी है, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में हम लोगों ने बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग देखना जरूर, और वापस आकर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि आपको एपिसोड कैसा लगा। पूरे डिटेल में बात करी है सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर रेसलिंग फैंस के लिए, मैच रेटिंग दी है सारे के सारे मैचेस को, तो आप लोग कहते हो ना कि भाई तुम कभी मैच रेटिंग नहीं देते, तो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगी, तो सुनना ज़रूर जाके और उसके बाद बताना ज़रूर मुझे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो एपिसोड है वो डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ गर्मा गर्मी वाली बातें भी हैं, तो जाकर सुनना ज़रूर। और हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट के ऊपर, और सबसे पहले बात करते हैं आज हुए NXT Takeover के बारे में, और सबसे ज़्यादा जिस मैच के लिए मैं एक्साइटेड था, समोआ जो वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच। आपको पता है इनकी जो राइवलरी थी वो इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी वाली थी कि भैया दोनों बंदे सामने आ गए ना, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, मतलब ऐसा था कुछ। लेकिन सही बताऊं तो जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ, मुझे लगा था कि समोआ जो आते ही एकदम से ऐसे ठोक देंगे कैरन क्रॉस को, वैसे मैच की स्टार्टिंग नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सी हुई, और सच में मैच से भी मेरी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि ये मैच ना उतने अग्रेशन पे नहीं चला, उतनी तगड़ी पेस पर नहीं चला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच नीचे रहा, पता नहीं क्यों। मतलब पता नहीं, मुझे जितनी अच्छी इनकी फ्यूड लगी थी, जितनी अच्छी इनकी बिल्ड लगी थी, उतना अच्छा ये मैच नहीं था, बेकार नहीं था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से नीचे था। लेकिन जो इसका रिजल्ट था वो वही था जो कि मैं चाह रहा था, और गाइस जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, समोआ जो ने जो काम किया जो इससे पहले नहीं किया किसी ने, समोआ जो गाइस बन चुके हैं फर्स्ट एवर 3-time NXT चैंपियन, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मसल बस्टर अपना फिनिशर लगाया कैरन क्रॉस के ऊपर, जो कि नोट करने वाली बात है। और गाइस कैरन क्रॉस को पिन करके समोआ जो बन चुके हैं NXT के अंदर चैंपियन, और ये NXT के अंदर आप लोग कह सकते हो एक एरा खत्म हुआ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं एक नए एरा की शुरुआत हुई है, लेकिन डेफिनेटली इस टेक ओवर के अंदर एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी, और कैरन क्रॉस का यहाँ पर एक जो रेन था वो भी एंड हो चुका है। इसके अलावा एक मेजर चीज़ और हुई NXT टेक ओवर के अंदर, जहाँ पर आपको पता है 2 out of 3 फॉल्स वाला मैच था कायलो रायली और एडम कोल के बीच में। मैं इस चीज़ को, मुझे पता था ये बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, इसलिए मैंने भी इस मैच को देखा, पूरा टेकओवर मैंने नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली इन दो मैचेस के ऊपर मेरा पूरा फोकस था, और भाई पूरे स्टेजेस से मैच गुजरा, और कायलो रायली ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल करी। बाकी टेकओवर आपको कह सकते हैं डिसअपॉइंट कभी करता नहीं है रेसलिंग क्वालिटी के हिसाब से, और इस बार का जो टेकओवर था वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन डेफिनेटली अगर पूरा आप कहो कि किसने ज़्यादा स्पॉटलाइट ली, तो कैरन क्रॉस और समोआ जो वाला ये मैच था, और समोआ जो के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चांस थे। लेट्स सी अब NXT के ऊपर जो समोआ जो का करियर है वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि पहली बार 3 बार का चैंपियन समोआ जो हो चुके हैं NXT के ऊपर, जो कि इससे पहले किसी और सुपरस्टार ने किया नहीं था। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और बात करते हैं AEW रैम्पेज के शो के बारे में। अब आपके दिमाग में ये चीज़ तो जरूर आई होगी कि भाई CM Punk AEW रैम्पेज के शो पर आए, सबको पहले से पता था, तो इस वाले शो की रेटिंग कितनी थी, मतलब इतने 7 सालों के बाद कोई बंदा शो पर आ रहा है, CM Punk के अंदर कितना दम है, कितनी रेटिंग वो लेकर आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, AEW रैम्पेज का पहला वाला जो शो था, यानी इससे पहला वाला जो रैम्पेज का शो था, मतलब जिस वाले शो पर पंक आए थे, उससे पहला वाला जो शो था वो रैम्पेज का पहला ही शो था, और उस वाले शो के जो नंबर थे वो थे 7,40,000,
और इस हफ्ते की बात करें, मतलब जिस हफ्ते रैम्पेज पर आए, अभी ये शुरुआती नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए, तो गाइस ये नंबर्स हैं 1 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 1.16 मिलियन व्यूअर्स। मतलब आप लोग देखो तो वैसे तो ये सिर्फ 1 मिलियन के आसपास हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखो तो ये कितने बढ़े हैं, तो ये 57% नंबर्स में बढ़े हैं, यानी आप देखो तो डबल से भी ज़्यादा उछाल यहाँ पर सीएम पंक ने लगवा दिया है। लेकिन अगर आप वैसे देखो तो मतलब देखने में लग रहा है कि भाई क्या सीएम पंक आए हैं शो पर, इतने सालों बाद सीएम पंक का रिटर्न हुआ है प्रो रेसलिंग के अंदर, तो क्या 1 मिलियन के आसपास ही है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि पूरा एक अलग नेटवर्क है, ऐसा भी नहीं था कि सीएम पंक को अनाउंस किया गया था, हाँ एक्सपेक्टेड था। तो मैं कह सकता हूँ कि 57% अगर अप है तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ये बड़ा नंबर है। लेकिन गाइस एक चीज़ जो सीएम पंक ने करी है वो ये कि प्रो रेसलिंग टीज, जहाँ पर सारी प्रो रेसलिंग के जो सारे प्रो रेसलर्स हैं वो अपनी मर्च बेचते हैं, वहाँ पर सीएम पंक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और खुद उस वेबसाइट ने इस बात को बताया कि 24 घंटों में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा किसी बंदे की टी शर्ट्स बिकी हो जितनी सीएम पंक की बिकी हैं। तो ये एक रिकॉर्ड जो है सीएम पंक ने तोड़ दिया, तो इससे क्लियर पता चलता है कि सीएम पंक की जो हाइप है वो कितनी ज़्यादा है। और डेफिनेटली इस बात का जो है AEW काफ़ी फ़ायदा उठाने वाली है, और उनको अच्छी तरीके से सीएम पंक का यूज़ करना पड़ेगा, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीएम पंक को यूटिलाइज है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो है अच्छी, ये बात उनको अच्छे से पता है। और अगर उनका अच्छा यूज़ हो गया, उनके मैचेस भी अच्छे होंगे, तो भाई कहानी काफ़ी अच्छी चल सकती है। और जो लोग फिर वो AEW और WWE की वॉर वाली बात करते हैं ना, उनको भी शायद इस चीज़ को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रैंडी ओर्टन के बारे में। तो चैंपियनशिप जीत लिए उन्होंने आरके ब्रो के साथ मिलके, रिडल के साथ मिलके। तो गाइस ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो इस समय यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर, हंसी आ रही है मुझे ये वाला ट्वीट पढ़ के। उन्होंने यहाँ पर ये वाली फोटो डाली है जो कि समर स्लैम से है, जहाँ पर रैंडी ओर्टन है, रिडल है, दोनों ने चैंपियनशिप को उठाया हुआ है। और सिंपली कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है द किड इज गुड, और यहाँ पर उन्होंने टैग किया हुआ है रिडल को, और लिखा हुआ है #NewSummerSlam, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना रिडल, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब वो इस समय यहाँ पर जो रिडल है ना, उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि अरे मेरा बाबू, मतलब कितना अच्छा है रिडल। तो ये काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब ये रिडल और रैंडी ओर्टन की। और अब तक तो हमको इनके बीच जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी अलग देखने को मिलती थी, जहाँ पर रैंडी ओर्टन रिडल से थोड़े से परेशान से रहते थे, लेकिन अभी केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि अब रैंडी ओर्टन एक्नॉलेज करने लग गए हैं रिडल को कि हाँ भैया ये बंदे के अंदर थोड़ा सा दम है। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी अब ट्रीटमेंट रैंडी ओर्टन रिडल को अलग देंगे, वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ा सा पैम्पर करेंगे, और उसको देखने में थोड़ा सा और मज़ा आएगा। तो देखते हैं अब इनकी कहानी कैसे चलती है एज चैंपियंस, क्योंकि अब आपको पता है चैंपियन बन चुके हैं, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं रॉ के ऊपर इनकी जो जर्नी है चैंपियंस वो कैसे चलने वाली है, और इनके लिए जो अपोनेंट है वो आगे हमको कैसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं गेबल स्टीवसन के बारे में। तो मैंने आपको पहले से ही नहीं बता दिया था कि जो गेबल स्टीवसन है वो WWE में आने को देख रहे हैं, और उसके बाद तो हमने समर स्लैम के ऊपर भी देखा था कि कैसे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था गेबल स्टीवसन के साथ, एक फीमेल भी थी, मैं नाम भूल गया उनका, वो हमको देखने को मिली थी समर स्लैम के अंदर। तो गाइस गेबल स्टीवसन ने अपने ट्विटर के ऊपर ये वाली फोटो भी पोस्ट करी है विंस मैकमैन के साथ, और यहाँ पर उन्होंने कैप्शन लिखा है द मैन आई वांटेड टू सी, और साथ में उन्होंने WWE को टैग किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि विंस मैकमैन ऐसे ही किसी भी बंदे के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, वो उसी बंदे के साथ फोटो खिंचवाते हैं जिसके साथ उसको अपनी वैल्यू लगती है। और ये बात आपने शायद नोटिस करी होगी अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो करते हो, कि जब भी आप विंस मैकमैन के साथ किसी बंदे की फोटो देखोगे तो वो उसी बंदे के साथ होगी जिसको वो वैल्यू करते होंगे। जैसे कि हमने काफ़ी टाइम पहले वो टायसन फ्यूरी के साथ फोटो देखी थी, या फिर हमने रोंडा राउजी के साथ देखी होगी, या फिर हमने केन वेलास्केस के साथ देखी होगी, ऐसे बंदों के साथ। और मैं आपको यही बता दूं कि WWE ऑल आउट जा रही है इन द सेंस, पूरी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके गेबल स्टीवसन को अपने साथ साइन कर ले। गेबल स्टीवसन WWE के साथ आना चाहते हैं, तो गाइस इट्स ऐसा लग रहा है जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि गेबल स्टीवसन बहुत जल्दी आ रहे हैं WWE के अंदर। तो एक और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आ रहा है WWE के अंदर, कट एंगल ना सही तो भाई गेबल स्टीवसन शायद आपको बहुत जल्दी WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कब होगा, कैसे होगा, कितना जल्दी होगा, उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट स्टोरी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के रिएक्शन के बारे में, कि अब जब ब्रॉक लेसनर आ गए WWE के अंदर, तो गाइस ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर रोमन रेंस ने ट्वीट डाला ट्विटर के ऊपर, और यहाँ पर वो लिख रहे हैं इनेविटेबली दे ऑल कम टू नो एक्नॉलेज देयर #ट्राइबल चीफ, यानी कि हर कोई बंदा एक्नॉलेज करने आ ही जाता है अपने ट्राइबल चीफ को, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर भी अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने आ गया।
भाई रोमन रेंस यहाँ पर तुमने थोड़ा सा यार ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर तुमको एक्नॉलेज करने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके के तुम्हारे रिएक्शन थे वो खुद ये बात बता रहा है कि तुमको भी पता है कि ब्रॉक लेसनर तुमको एक्नॉलेज करने नहीं आया है। मतलब यहाँ पर रोमन रेंस जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर मुझे एक्नॉलेज करने आया है, जबकि आपको भी पता है कि ब्रॉक लेसनर वहाँ पर क्या करने आए हैं। खैर रोमन रेंस का रिएक्शन था ट्विटर के ऊपर, वैसे आपको क्या लगा रोमन रेंस के इस ट्विटर के ऊपर, आपका क्या रिएक्शन है मुझे आप कॉमेंट करके बताना, और क्या ब्रॉक लेसनर सच में रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने आए हैं या फिर वो कुछ और करने आए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और हमको अपडेट मिली है कि क्या WWE के प्लान्स है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर। तो गाइस ये बात बिल्कुल हिला देने वाली है जो हमको पता चली है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से, और उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि WWE के एक्चुअल में प्लान्स से रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच करवाने के रेसलमेनिया 38 भी नहीं, रेसलमेनिया 39 के लिए, क्योंकि WWE रेसलमेनिया 38 के लिए प्लान कर रही थी रोमन रेंस और रॉक के बीच कोई प्रोग्राम, फिर वो सिंगल्स मैच हो या फिर वो कोई टैग टीम मैच के लिए हो, लेकिन WWE ने प्लान्स को जो है रश कर दिया। और शायद WWE, उन्होंने इस बात को कन्फर्म नहीं किया, लेकिन पॉसिबली WWE इसी साल रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच प्लान कर सकती है, फिर वो हो सकता है शायद सर्वाइवर सीरीज के लिए या फिर हो सकता है WWE के क्राउन जुगल इवेंट के लिए, जो कि अभी हमको पता चल रही है आप कह सकते हो अर्ली अपडेट्स इस चीज को लेकर कि WWE क्या प्लान कर रही है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर। अभी गाइस ये कहीं से भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतना तो है कि WWE के जो ओरिजिनल प्लान्स थे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 39 के मैच को लेकर, उसको WWE के उस प्लान को लेकर WWE ने रश कर दिया है, और शायद इस साल में WWE कुछ इन सुपरस्टार्स को लेकर प्लान कर रही है। इस बात में अब थोड़ी सी अब सच्चाई नजर आ रही है, अब देखते हैं प्लान्स यहां पर क्या होते हैं। लेकिन गाइस डेफिनेटली आप लोग पॉडकास्ट जाकर जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमने इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करी है, शायद आपको इसके बारे में तब और ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।